हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जेएमआरसी मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स, यानी कि दोस्तों जयपुर मेट्रो में जो मेडिकल टेस्ट है वो किस तरह से होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो है जेएमआरसी ने रिजल्ट जारी कर दिए हैं मेंटेनर के और जूनियर इंजीनियर के, तो दोस्तों उनका जो मेडिकल फिटनेस है उसकी जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ताकि दोस्तों आप जो मेडिकल टेस्ट है उसकी जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जेएमआरसी की सभी पोस्टों की जो मेडिकल फिटनेस है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो जेएमआरसी का मेडिकल फिटनेस टेस्ट का जो स्टैंडर्ड्स है यानी कि जो क्राइटेरिया है वो किस तरह का रखा गया है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों जेएमआरसी ने यानी कि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये जो मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स है दोस्तों इसे 2013 में उन्होंने लागू किए थे, और दोस्तों तब से ही ये जो मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड है उसे ही जो है जेएमआरसी अपनाती आ रही है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि जो जेएमआरसी है उसने जो है ये मेडिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया है वो सारा का सारा अंग्रेजी में बता रखा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, और दोस्तों पूरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया वो आपको पूरा का पूरा जो है हिंदी में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने जो अंग्रेजी के जो इसके पेजेस थे उनको जो है हिंदी में अनुवाद कर लिया है, और दोस्तों इन सभी का अंग्रेजी और हिंदी में जो अनुवाद किया हुआ जो PDF है वो आपको एमकेएन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेएमआरसी ने लगभग 3 पेजेस में जो है अंग्रेजी में ये क्राइटेरिया लागू कर रखा था, जिसमें दोस्तों एक जो पेज है ऊपर मैंने आपको बता दिया, ये दूसरा पेज है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो जेएमआरसी उसने जो तीसरा पेज है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों मैंने एक अंग्रेजी का पेज और उसका जो हिंदी अनुवाद है उसके नीचे लगा रखा है, और इसके माध्यम से मैं आपको जो है आज इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि जो जेएमआरसी है वो किस तरह से मेडिकल फिटनेस टेस्ट है वो लेती है। और साथ ही दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो जेएमआरसी है उसमें जो आंखों की जो जांच है वो किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड की। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि जयपुर मेट्रो जेएमआरसी मेडिकल फिटनेस मानक यानी कि 24/5/2013 को संशोधित और जारी किया गया, यानी कि दोस्तों जेएमआरसी ने अपना जो मेडिकल फिटनेस मानक है जो क्राइटेरिया है वो 24/5/2013 को जारी किया था, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब दोस्तों जो जेएमआरसी मेडिकल टेस्ट है वो किस तरह से लेती है, तो उसके लिए दोस्तों उसने जो बेसिक जो क्राइटेरिया वो रखा है उसके पहले जो इसकी बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसमें जेएमआरसी ने बताया है कि साक्षात्कार या चिकित्सा परीक्षा के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को इसके लिए नामित एजेंसियों यानी कि चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आयोजित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। यानी कि दोस्तों जो जेएमआरसी है वो जिस अधिकारी को या जिस चिकित्सा परीक्षक को नियुक्त करती है उसके समक्ष ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। जेएमआरसी द्वारा उद्देश्य परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार किसी पद से संबंधित नौकरी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी तरह से चिकित्सकीय रूप से फिट है। तो दोस्तों ये जो चिकित्सा अधिकारियों की टीम होती है वो ये निश्चित करती है कि ये जो उम्मीदवार है वो क्या जेएमआरसी में काम करने के लिए पूर्ण रूप से सही है। फिर इसमें दोस्तों किसी भी व्यक्ति को जेएमआरसी की सेवा के लिए योग्य नहीं माना जाएगा यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं करता है कि उसे कोई बीमारी, संवैधानिक पीड़ा या शारीरिक दुर्बलता नहीं है। यानी कि दोस्तों उस अभ्यर्थी को जेएमआरसी के लिए जब तक योग्य नहीं माना जाएगा तब तक उसका मेडिकल फिटनेस जो है वो पास नहीं कर लेता है, यानी कि उसकी कोई बीमारी है, संवैधानिक पीड़ा है या शारीरिक दुर्बलता है उसके बारे में उसकी जो है जाँच नहीं हो जाती है, या उसके पद के लिए अयोग्य होने की संभावना है, या फिर वो उस पद के लिए क्या है अयोग्य है, तो इसकी भी जाँच वो जेएमआरसी करती है। साथ ही दोस्तों दर से तीक्ष्णता मानक मेट्रो संचालन के लिए चिकित्सा फिटनेस के सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है, यानी कि दोस्तों इसमें जो आंखों की जांच है वो भी की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो दृश्य तीक्ष्णता मानक यानी कि आंखों की जांच भी यहाँ पे होती है। और दोस्तों इसमें मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि किस पद के लिए कौन सी आंखों की जांच होती है और कौन सा मेडिकल जो टेस्ट है वो होता है। अब दोस्तों जो जेएमआरसी की मेडिकल फिटनेस की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभ्यर्थी एग्जाम पास करने के बाद में उसे क्या करना होता है। तो दोस्तों पहला इसमें मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास होना चाहिए, सभी उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, यानी कि सभी को जो है मेडिकल जो है अपना करवाना होगा, अगर उसमें पास होता है तो ही उसे जो है ज्वाइनिंग दी जाती है। और विभिन्न पदों के लिए जेएमआरसी द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा, यानी कि जेएमआरसी में अलग अलग पदों के लिए जो है अलग अलग चिकित्सा मानक निर्धारित किए गए हैं और तो उन्हें पूरा करना होता है। वहीं समय समय पर जेएमआरसी द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस टेस्ट एस के दौरान और पद पर उनका बने रहना पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करने के अधीन होगा, इसके विपरीत सभी कर्मचारियों के पास आवधिक होगा। यानी कि दोस्तों कोई अभ्यर्थी अगर जेएमआरसी में लग जाता है तो उसके बाद में भी वो जेएमआरसी का कर्मचारी बनने के बाद में भी जो है उसे मेडिकल टेस्ट से जो है समय समय पे गुजरना पड़ता है, यानी कि जेएमआरसी क्या करती है अपने कर्मचारियों का समय समय पे जो मेडिकल चेकअप है वो करवाती है।
फिर है दोस्तों पद के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के उद्देश्य से उम्मीदवारों की चिकित्सा फिटनेस परीक्षण के लिए खर्च और यदि नियुक्त किया जाता है तो उस पर बने रहना जेएमआरसी द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई अभ्यर्थी जेएमआरसी में लग जाता है और उसका जेएमआरसी समय समय पर जो है मेडिकल टेस्ट करवाती है तो उसका जो खर्च होता है वो जेएमआरसी ही वहन करती है। साथ ही दोस्तों यदि कोई उम्मीदवार शामिल होने के लिए विस्तार चाहता है तो ऐसे परीक्षण की लागत उम्मीदवार द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर जेएमआरसी में अगर कोई अभ्यर्थी विस्तार चाहता है तो उसका जो मेडिकल टेस्ट का जो खर्चा है वो खुद को ही वहन करना पड़ता है। फिर है दोस्तों निर्धारित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में असफल होने वाले उम्मीदवारों को कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई अभ्यर्थी मेडिकल टेस्ट में जेएमआरसी में जो है बाहर हो जाता है तो उसे जेएमआरसी की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे रोजगार दे, यानी कि उसे बाहर कर दिया जाएगा। फिर है दोस्तों उम्मीदवार निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करता है या नहीं, इस बारे में जेएमआरसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यानी कि दोस्तों आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद में जेएमआरसी ही ये निश्चित करेगी कि ये जो अभ्यर्थी है इसने जेएमआरसी के जो मेडिकल जो क्राइटेरिया है उसे पूरा किया है या नहीं किया है, यानी कि उसे मेडिकल टेस्ट में पास करना या फेल करना जेएमआरसी के हाथ में है। अब दोस्तों इसमें प्रबंधकीय पदों के लिए चिकित्सा परीक्षा के मानक, यानी कि दोस्तों जो जेएमआरसी में मैनेजेरियल जो पोस्टें होती है उनके जो चिकित्सा मानक है वो बताए गए हैं इसमें दोस्तों कि विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए चिकित्सा मानकों में सामान्य शारीरिक परीक्षा और दृष्टि परीक्षण शामिल होंगे। यानी कि दोस्तों जो मैनेजेरियल जो पोस्ट होती है यानी कि प्रबंधकीय पद होते हैं उन पर अगर किसी अभ्यर्थी को जो है जेएमआरसी में भर्ती किया जाता है तो उसके लिए सामान्य शारीरिक परीक्षा और उसका जो दृष्टि परीक्षण है यानी कि जो आंखों की जांच है वो जरूरी है, यानी कि इन दोनों की जो है इसमें जांच की जाती है। शारीरिक परीक्षा में दोस्तों उसका जो मेडिकल चेकअप है वो किया जाता है कि इस अभ्यर्थी को कोई जैसे बीमारी है या नहीं है उसकी जांच की जाती है, और साथ में दोस्तों जो आंखों की जो जाँच है वो भी इसमें की जाती है कि कोई ब्लाइंडनेस तो नहीं है या किसी को कम तो दिखाई नहीं देता है, है ना, या किसी को साफ नहीं दिखाई देता तो उसकी भी जांच इसमें की जाती है। इनका पूरा विवरण भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल यानी कि IRMM के अध्याय 5 के खंड ए में उपलब्ध है। तो दोस्तों जो आंखों की जांच और जो शारीरिक जो जांच है इन दोनों का जो विवरण है वो भारतीय जो रेल है उसके समान ही इसमें रखा गया है। यानी कि रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो का वो ही जेएमआरसी में रखा गया है, जिसे दोस्तों हम भारतीय रेलवे का जो ऑफिशियल मेडिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया उसके अध्याय 5 के खंड ए में जाकर के देख सकते हैं। यानी कि उसके समान ही जेएमआरसी में रखा गया है। अब दोस्तों इसमें दृश्य तीक्ष्णता मानकों के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रबंधकीय पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। जेएमआरसी चिकित्सा स्वास्थ्य मानक मई 2013 के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों जो जेएमआरसी की जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें जो आंखों की जो जांच है उसका मानक वही होगा जो जेएमआरसी ने 2013 में निर्धारित किया था। तो दोस्तों ये जो एक पेज है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा, और दोस्तों इसका जो अंग्रेजी में जो पेज है वो भी मैंने ऊपर दे रखा है। अब दोस्तों ये जो दूसरा पेज आ चुका है इसके बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो जेएमआरसी है उसने आगे क्या निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो श्रेणी गैर तकनीकी सेवाएं पोस्ट उप महाप्रबंधक नगर नियोजन उप महाप्रबंधन कानून कंपनी सचिव गैर तकनीकी सेवाएं, यानी कि दोस्तों जो जनरल मैनेजर की जो पोस्ट हैं या CS की पोस्ट हैं जो नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट हैं दोस्तों उनके बारे में इसमें बताया गया है कि गैर तकनीकी सेवाएं और गैर प्रबंधकीय पदों के लिए चिकित्सा परीक्षा के मानक। तो दोस्तों इन पोस्टों के लिए जो है ये जो क्राइटेरिया इसमें निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों पहला है इसमें शारीरिक फिटनेस और दृश्य तीक्ष्णता मानकों के उद्देश्य से जेएमआरसी में गैर प्रबंधकीय पदों को विभिन्न वर्ग, यानी कि दोस्तों जो जेएमआरसी में शारीरिक फिटनेस की और जो दृश्य तीक्ष्णता यानी कि जो आंखों की जो जांच है उसके लिए कुछ कैटेगरियां निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इन सभी पदों को इन कैटेगरियों के अंतर्गत इसमें बांटा गया है। फिर दोस्तों इसका भारतीय रेल में प्रयुक्त अराजपत्रित कर्मचारी के वर्गीकरण की तर्ज पर, यानी कि दोस्तों ये किसके समान रखा गया है, रेलवे में जो अराजपत्रित जो कर्मचारी होते हैं उनके समान ही ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो रखा गया है। इसमें दोस्तों विभिन्न वर्गों के लिए चिकित्सा मानक ऐसे होंगे जो भारतीय रेलवे द्वारा संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न वर्गों के लिए फिटनेस निर्धारित करने के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM के अध्याय 5 के निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के पैटर्न पर होगा। यानी कि दोस्तों उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो रेलवे का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसका जो अध्याय नंबर 5 है उसके अंतर्गत ही ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो रखा गया है, यानी कि रेलवे में और जो जयपुर मेट्रो है उसमें समान रखा गया है, और दोस्तों जो दिल्ली मेट्रो है उसमें भी इसी तरह रखा गया है। तो दोस्तों इसके जो आगे की जो क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जेएमआरसी उसने क्या बताया है। तो दोस्तों जेएमआरसी का जो चिकित्सा मानक है उसमें जो पहली जो A1 कैटेगरी है दोस्तों, ये जो A1 कैटेगरी है वो जेएमआरसी में स्टेशन कंट्रोलर और दोस्तों जो ट्रेन ऑपरेटर की जो अभ्यर्थी है उनके लिए काम में ली जाती है, यानी कि उनका जो चिकित्सा परीक्षण होता है वो इसी के आधार पर होता है। तो दोस्तों A1 कैटेगरी में जो है अभ्यर्थी शारीरिक रूप से बिल्कुल सभी तरह से फिट होना चाहिए, यानी कि उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो दृश्य मानक होता है उसका यानी कि देखने की जो शक्ति होती है वो दूरी जो होती है दूरी दृष्टि, यानी कि दूरी दृष्टि लगभग दोस्तों उसकी 6/6 और 6/6
बिना चश्मे के और संपर्क लेंस के होनी चाहिए। और अगर दोस्तों उसका जो नियर विजन है उसमें दोस्तों SN 0.6 और 0.6 बिना चश्मे के और कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में होना चाहिए, जिसमें दोस्तों फॉगिंग टेस्ट क्लियर करना वो भी आवश्यक है, यानी कि दोस्तों उसे धुंधला बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कि कोई भी वस्तु है तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन को चलाता है तो उस समय उसे जो है आगे का बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। इसमें दोस्तों जो कलर विजन है वो भी एकदम साफ होना चाहिए, यानी कि दोस्तों कलर की भी बिल्कुल सही समझ होनी चाहिए कि लाल को लाल ही समझे, पीले को पीला ही समझे, ऐसा नहीं कि लाल को काला समझ रहे हैं या लाल को हरा समझ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ में दोस्तों दूरबीन दृष्टि और नाइट विजन भी उसमें मौजूद होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो देख अभ्यर्थी की जो देखने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि दूर की चीज़ों को भी बिल्कुल एकदम साफ से सफाई से देख ले और अच्छा सा बिल्कुल देख ले। साथ में दोस्तों नाइट विजन भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए और उसको दिखना बंद हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि नाइट विजन भी बिल्कुल उसका क्लियर होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें दृष्टि का जो क्षेत्र है उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो हमारा जो देखने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे चश्मा लगा हुआ है या हमें कम दिखाई देता हो या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जो A2 कैटेगरी है उसमें जो है शारीरिक रूप से अभ्यर्थी फिट होना चाहिए, दृश्य मानक है उसकी जो दूरदृष्टि है वो 6/9 बिना चश्मे के और संपर्क लेंस के होनी चाहिए। इसका जो नियर विजन है दोस्तों SN 0.6 बिना चश्मे के और कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में होना चाहिए। कलर विजन भी साफ होना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया दूरबीन दृष्टि और नाइट विजन भी साथ में मौजूद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभ्यर्थी को जो है बिल्कुल धुंधला दिखाई दे या दिखाई नहीं देता हो। साथ में दृष्टि के क्षेत्र को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों लगभग स्टेशन कंट्रोलर के समान ही जो है A2 कैटेगरी को बताया गया है। तो दोस्तों इसमें केवल स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो है A1 कैटेगरी को ही काम में लिया जाता है, यानी कि दोस्तों ये जो A2 कैटेगरी है उसे दूसरे जो पद होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। अब दोस्तों जो A3 कैटेगरी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो कैटेगरी है वो JEE के लिए काम में ली जाती है, यानी कि दोस्तों ये जो चिकित्सा मानक है उसे जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें दोस्तों JEE इलेक्ट्रॉनिक्स है, JEE इलेक्ट्रिकल है, JEE सिविल है, उनके लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें भी जो अभ्यर्थी है शारीरिक रूप से सभी तरह से फिट होना चाहिए, दृश्य मानक दोस्तों उसका दूरदृष्टि 6/9 चश्मे के साथ और बिना चश्मे के यानी कि होना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो है 2D यानी कि +2D से अधिक नहीं होना चाहिए, क्या दोस्तों उसका चश्मे का नंबर, यानी कि दोस्तों अगर किसी अभ्यर्थी ने चश्मा लगा रखा है और उसके चश्मे का नंबर +2D से कम है तो चलेगा, अगर इससे ज़्यादा है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, यानी कि उसे मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसकी जो निकट दृष्टि है उसका जो क्राइटेरिया वो SN 0.6 चश्मे के साथ और बिना चश्मे के होना चाहिए, अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो वो उसमें चलेगा नहीं। अब दोस्तों जो कलर विजन है वो भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि कलर भी साफ दिखाई देना चाहिए, यानी कि हरे को हरा ही देखना चाहिए, लाल को लाल, पीले को पीला ही देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि काला जो रंग है वो हरा दिखाई दे रहा है या हरा काला दिखाई दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों दूरबीन दृष्टि और नाइट विजन मौजूद होना चाहिए अभ्यर्थी में, दृष्टि के क्षेत्र को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो अभ्यर्थी की देखने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें जो नाइट विजन है यानी कि रात का अगर मान लो थोड़ा अंधेरा हो गया और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो A3 कैटेगरी है वो JEE के लिए है। अब दोस्तों ये जो B1 कैटेगरी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों B1 कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जयपुर मेट्रो में मेंटेनर के पदों के लिए काम में ली जाती है, जैसे दोस्तों JMRC में मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन है, या मेंटेनर फिटर है, या फिर मेंटेनर AC मैकेनिक या रेफ्रिजरेशन वाला जो अभ्यर्थी है उसके लिए ये काम में ली जाती है। तो दोस्तों इसमें सभी प्रकार से वो अभ्यर्थी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, और जो उसका दृश्य मानक यानी कि देखने की जो क्षमता है दोस्तों वो दोस्तों दूरदृष्टि में जो है 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना होनी चाहिए, और दोस्तों चश्मा लगा हुआ है तो +4D से अधिक का उसका चश्मे का नंबर नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों किसी अभ्यर्थी के +4D से अधिक चश्मे का नंबर है तो उसे जो है मेंटेनर के लिए नहीं लिया जाएगा, यानी कि उसे मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों जो निकट दृष्टि है उसमें SN 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के जब पढ़ना या करीबी काम करना आवश्यक है तो वो जरूरी होना चाहिए। अगर मान लो अभ्यर्थी को पढ़ना है यानी कि किताब उसके सामने है और उसे पढ़ना है या लिखना है या कोई बारीक काम करना है तो उसके लिए उसके जो चश्मे का नंबर है वो 0.6 होना चाहिए, यानी कि इससे अगर कम या ज़्यादा होता है तो उसे जो है मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा।
साथ में उसमें कलर विजन भी होना चाहिए, दूरबीन दृष्टि और नाइट विजन मौजूद होना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसमें जो है कलर का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, जिसे मैंने आपको बता दिया कि हरे को हरा ही समझना चाहिए, काले को काला। ऐसा नहीं कि किसी अभ्यर्थी को काला रंग दिखाया जाए वो कह दे कि ये तो हरा है, या हरा दिखाया जाए तो वो कह दे कि ये तो काला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो दूरबीन दृष्टि और जो नाइट विजन है वो भी उसका अच्छा होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर किसी अभ्यर्थी को दूर की चीज़ देखनी है तो वो भी बिल्कुल साफ दिखाई देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धुंधला दिखाई दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो नाइट विजन है, तो नाइट विजन में दोस्तों अभ्यर्थी को जो है अंधेरा हो गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके आंखों के सामने बिल्कुल ही अंधेरा छा जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो B2 कैटेगरी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सभी प्रकार से शारीरिक रूप से इसमें अभ्यर्थी स्वस्थ होना चाहिए। दृश्य मानक दूरदृष्टि 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना होनी चाहिए। इसमें भी दोस्तों जो चश्मे का नंबर है वो +4D से अधिक नहीं होना चाहिए। नियर विजन है उसका SN 0.6 बनाम JMRC मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड May 2013 के अंतर्गत ही होना चाहिए। यानी कि जो JMRC ने 2013 में जो मेडिकल फिटनेस के जो स्टैंडर्ड यानी कि जो नियम है वो मानक जो है निश्चित कर दिए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी को होना चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो अभ्यर्थी को जो है इस टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब आगे का दोस्तों इसका जो तीसरा प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये अंग्रेजी में है लेकिन मैंने इसे जो है ट्रांसलेट किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें है, यह बिना चश्मे के जब पढ़ने या बंद करने का काम करना पड़ता है, या कलर विजन, दूरबीन दृष्टि और नाइट विजन मौजूद होना चाहिए, तो ऐसा जो है मेडिकल फिटनेस जो है अभ्यर्थी का होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो JMRC 2013 में जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट के जो नियम लागू किए थे उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए अभ्यर्थी को, या फिर वो जो है बिना चश्मे के पढ़ लेना चाहिए और उसका कलर विजन भी ठीक होना चाहिए और दूरबीन दृष्टि और जो नाइट विजन जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही इसमें होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था B2 कैटेगरी का। अब दोस्तों इसमें जो C1 कैटेगरी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें शारीरिक रूप से अभ्यर्थी फिट होना चाहिए। दृश्य मानक यानी कि जो उसकी जो देखने की क्षमता है, दूरदृष्टि में 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के अभ्यर्थी को होना चाहिए। और दोस्तों उसी की जो निकट दृष्टि होती है वो SN 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना होनी चाहिए। और जब वो पढ़ता है या करीबी काम करता है तो उस समय उसकी जो है देखने की क्षमता भी वो जो है इसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर मान लो वो पढ़ रहा है किसी किताब को या कोई बारीक काम कर रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो वैसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जो C2 कैटेगरी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें है शारीरिक रूप से सभी तरह से फिट अभ्यर्थी होना चाहिए। दृश्य मानक जो दूरी दृष्टि होती है वो 6/12 है, शून्य चश्मे के साथ या बिना चश्मे की होनी चाहिए। निकट दृष्टि जो होती है उसकी यानी कि पास की वो होती है दोस्तों SN 0.6 पढ़ने या करीबी काम करने के दौरान चश्मे के साथ या बिना चश्मे के संयुक्त तो होना आवश्यक है। तो दोस्तों JMRC ने साफ साफ जो है मेडिकल फिटनेस है उसमें ये बता दिया है कि जो अभ्यर्थी है वो बिल्कुल शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होना चाहिए और उसकी जो आंखों की जो देखने की क्षमता है उसका भी इसमें जो है JMRC ने अलग अलग पदों के लिए जो है अलग अलग क्राइटेरिया इसमें निर्धारित कर रखा है और अभ्यर्थी को उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसमें जो है उसका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि उसके आधार पर उसका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर उसी के आधार पर उसका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें उपरोक्त चिकित्सा मानक यानी कि मापदंड सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है, तो पूर्ण विवरण के लिए आपको क्या करना है, जो भारतीय रेलवे की जो साइट है उस पर जाकर के जो रेलवे का जो चिकित्सा क्राइटेरिया है उसे जाकर के हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो JMRC है उसने किस तरह से जो है ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर रखे हैं। तो दोस्तों ये जो JMRC की तरफ से जो कैटेगरियाँ फिक्स की गई है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो चिकित्सा मानक है वो A1 कैटेगरी का होता है। वहीं JEE सिविल के लिए दोस्तों A3 कैटेगरी का होता है। इलेक्ट्रिकल JEE के लिए दोस्तों A3 कैटेगरी का होता है। वहीं दोस्तों JEE मैकेनिकल के लिए A3 का होता है और JEE इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्तों जो है A3 का होता है। यानी कि दोस्तों इन चार कैटेगरियों के लिए जो है एक समान चिकित्सा मानक काम में लिया जाता है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए ही A1 कैटेगरी का जो चिकित्सा मानक है वो काम में लिया जाता है और जो JEE यानी कि जो जूनियर इंजीनियर कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उसके लिए जो है A3 का जो काम में लिया जाता है। अब दोस्तों जो B1 कैटेगरी है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें दोस्तों जो मेंटेनर की जो कैटेगरी है उनके लिए और दोस्तों इसमें जो CRA जो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की है उनके लिए जो है B1 कैटेगरी का जो चिकित्सा मानक है वो काम में लिया जाता है। और दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि A1 कैटेगरी का चिकित्सा मानक क्या होता है, A3 जो कैटेगरी है उसका जो चिकित्सा मानक है वो क्या होता है और B1 कैटेगरी का जो चिकित्सा मानक है वो क्या होता है। अब दोस्तों रही बात C1 कैटेगरी की, तो दोस्तों C1 कैटेगरी के अंतर्गत जो है पोस्ट ऑफ ऑफिस रिलेटेड वर्क्स
इंक्लूडिंग लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क असिस्टेंट के लिए जो है इस कैटेगरी को काम में लिया जाता है। यानी कि दोस्तों ऑफिस जो वर्क है, ऑफिस से संबंधित जिन अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन किया जाता है उनके लिए C1 कैटेगरी का जो चिकित्सा मानक है वो काम में लिया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो चिकित्सा मानक है वो बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों इसमें जो कलर विजन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम डॉक्टर के पास में भी अपनी जो आँखें चेक करवाने के लिए जाते हैं तो वो क्या करता है कि इस तरह के कुछ अल्फाबेट जो है हमारे सामने लगे हुए रहते हैं और उन्हें देखने के लिए कहता है। तो दोस्तों हम जो है इन्हें आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर किसी की आंखें कमज़ोर होती है तो वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और इन्हें आसानी से नहीं पढ़ पाता। तो उसी के आधार पे जो है वो डॉक्टर क्या करता है, हमारे जो चिकित्सा मानक है उसको निर्धारित करता है और उसी के अंतर्गत हमें क्या करता है, वो दवाइयाँ देता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो JMRC है वो हमारी जो आंखें हैं उनका जो है परीक्षण करने वाली है, यानी कि कुछ इस तरह से अल्फाबेट दिखाएगी। और दोस्तों जो कलर विजन की एक डायरी है वो डायरी भी हमें दिखाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमें पूछा जाएगा कि इसमें जो है कितना अंक लिखा हुआ है और कितना नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों कई कई ऐसे अंक होते हैं जो साफ दिखाई देते हैं और कई हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि दोस्तों कुछ इस तरह से जो है JMRC कलर विजन के लिए हमें एक डायरी दिखाएगी या गोल गोल चकतियाँ जो है वो हमारे सामने रखेगी और उनमें से हमें जो है अंक पहचानने होते हैं कि इनमें जो है कितने अंक इसमें लिखे हुए हैं या बने हुए हैं। तो दोस्तों इस तस्वीर में तो ये हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब वो चकती हमारे सामने होती है ना तो वो हमें उसके अंदर जो अंक लिखे हुए होते हैं दोस्तों वो हमारे सामने जल्दी से नहीं आ पाते। और दोस्तों जिसकी आँखें तेज़ होती है वही इसे आसानी से देख पाता है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो, इसमें मैंने एक अलग से चकती आपको दिखा रखी है। तो दोस्तों इसमें गौर करने से ही जो है ये अंक हमें जो दिखाई देता है, और अगर मान लो दोस्तों इसे थोड़ा दूर कर दिया जाए तो ये अंक हमें और धुंधला दिखाई देगा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो JMRC इस तरह से जो है इसका जो मेडिकल जो परीक्षण है वो करने वाली है, जिसमें दोस्तों शारीरिक दक्षता है और जो आंखों की जांच है दोस्तों वो इस तरह से आपके सामने करने वाली। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारे चिकित्सा मानक बताने की कोशिश की है। और दोस्तों इन्हीं चिकित्सा मानक के अंतर्गत JMRC जो है सारा जो मेडिकल टेस्ट है वो लेने वाली है और जो शारीरिक परीक्षण है वो करने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।